दोस्तों स्वागत है टानू जुगाड़ की एक और नई वीडियो में। और आज मैं सभी लोगों से बात करूंगा फेसबुक के अंदर फेसबुक प्रोफाइल के अंदर वेबसाइट ऐड कैसे करते हैं। जानने के लिए करना कुछ नहीं, वीडियो को पूरा देखें और कहीं पर भी इस वीडियो को एक लाइक भी करते जाएं। इस प्रोसेस को मैं फेसबुक ऐप के अंदर सिखाऊंगा, तो करना कुछ नहीं, बिना स्किप करे देखें। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आती है उसे प्रेस करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक ऐप को ओपन करता हूँ। करने के बाद मैं सीधा प्रोफाइल पर जाता हूँ। जाने के बाद मैं उसके बाद में सीधा यहाँ पर क्लिक करें एडिट प्रोफाइल। क्लिक करने के बाद में उसके बाद में इसमें नीचे आए, नीचे आप सभी लोगों को मिलेगा एडिट योर अबाउट इन्फो, सीधा यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में उसके बाद में इसमें नीचे आए, नीचे आप सभी लोगों को मिलेगा कॉन्टैक्ट इन्फो, सीधा उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर ऊपर मिलेगा सोशल लिंक, तो यहां पर ऐड सोशल लिंक पर क्लिक करके तो अपनी अदर सोशल मीडिया का लिंक भी ऐड कर सकते हो, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, किसी का भी ऐड कर सकते हो। नीचे मिलेगा वेबसाइट, तो यहाँ पर क्लिक करें ऐड वेबसाइट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक को पेस्ट करें या आप सभी लोग यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद यहाँ पर वेबसाइट के आगे एक आइकन मिलेगा, सीधा यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी आप सभी लोग करना चाहते हो, फ्रेंड, पब्लिक या ओनली मी, उस पर टिक लगाएं। लगाने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे आप सभी लोग सेव पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके प्रोफाइल के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक शो होने लगेगा। तो ये प्रोसेस है फेसबुक के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करने का। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है उस पर प्रेस करते जाएं। मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।